हेलो फ्रेंड्स, करवा चौथ की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। करवा चौथ में प्रायः फरे और पिन्नी बनाई जाती है, तो हम दाल के फरे तो हमेशा बनाते हैं। इस बार हम फरे कुछ नए अंदाज में बनाएंगे, साथ ही पिन्नी भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल और डिलीशियस। तो चलिए कैसे बनाएंगे शुरू करते हैं। पहले हम फरे बनाएंगे, इसके लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। तो हमने 1.5 कप मटर ली है, उसको हमें ग्राइंड करना है। तो इस तरह से मिक्सी जार में डालेंगे। अब इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और साथ ही इनको पीस लेंगे। तो देखिए हमारा मिर्ची और मटर का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। मटर को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए अब एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे, 1/2 चम्मच राई और 1/2 चम्मच जीरा डालकर अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें मिलाएंगे 1/4 चम्मच हींग, जो पाचन के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब इसमें मिलाएंगे 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको भी हमें अच्छे से भून लेना है। अब हम इसमें मिलाएंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आप ज्यादा भी मिला सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब हम अच्छे से सारी चीजों को मसाले के साथ भून लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे मटर का पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा था। मटर के पेस्ट को भी अच्छी तरह से सारी चीजों के साथ हमें मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भुनेंगे। बहुत ज्यादा हमें भूनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको स्टीम कुक करके फिर से पकाने वाले हैं। तो अब हम इसमें मिला लेंगे स्वादानुसार नमक, और नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसानी से नमक अच्छी तरह से मिक्सचर में मिक्स हो जाएगा। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, जो बहुत ज्यादा स्वाद बढ़ा देती है, और साथ ही इसमें मिलाएंगे 2 टेबलस्पून के करीब बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इससे हमारे स्टफिंग का कलर ग्रीन भी आएगा और बहुत ही ज्यादा डिलीशियस बनकर तैयार होगी। तो देखिए हमारी बहुत ही बढ़िया सी ग्रीन ग्रीन मटर की स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इसको हमें ठंडा करने के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। डो बनाने के लिए हम पैन में 1/4 कप पानी लेकर गरम करेंगे। इसमें मिलाएंगे 1/2 चम्मच नमक, साथ ही मिला लेंगे 2 चम्मच घी, जिससे हमारा डो बहुत अच्छा तैयार होगा। अब उबाल आने पर हम मिलाएंगे 1 कप चावल का आटा। सारी चीजों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमें जैसे ही पानी उबले बंद कर लेना है। अब साथ में सारी चीजों को मिलाकर एक बोल में ट्रांसफर करेंगे और हल्का गर्म ही हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि डो हमारा बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट बनकर तैयार हो। तो इस तरह से हमने डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब डो में से हम कुछ आटा लेकर इस तरह से छोटी छोटी गोलियां तैयार करेंगे, जिन्हें पेड़ा भी कहा जाता है। तो अब इस तरह से पेड़े को चावल का आटा रखकर अच्छी तरह से बेल लेंगे। ये पूरी तरह से गोल नहीं मिलेगी, इसीलिए हम 1 कटोरी लेकर इसको अच्छी तरह से काट लेंगे। अब गोलाकार पूरी के अंदर जितनी स्टफिंग सफिशिएंट हो भर लेंगे और इस तरह से हम अच्छी तरह से फोल्ड करके बंद कर लेंगे। तो देखिए हमारा बढ़िया सा मटर का फरा बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह से हम सारे फरे बनाकर तैयार कर लेंगे। फरे तैयार करने के लिए इन्हें स्टीम कुक करना है। इसके लिए कढ़ाई में पानी डालकर उबलने तक पकाएंगे। एक स्टैंड रखेंगे, उसमें तेल लगा लेंगे अच्छी तरह से, ताकि हमारे फरे अच्छी तरह से डीमोल्ड हो जाएं। अब हम एक एक करके सारे फरे इसमें रख कर अच्छे से सेट कर लेंगे। जितने फरे एक बार में आ सके उतने हम इसमें रख कर ढक्कन लगाकर इन्हें पकने के लिए छोड़ देंगे। करीब 20-25 मिनट तक हमें इसी तरह से पकाना है। तो बहुत बढ़िया तरीके से हमारे फरे बनकर तैयार हो गए हैं, थोड़े ठंडे भी हो चुके हैं। अब हम इसे एक एक करके धीरे से निकालेंगे, ताकि ये टूटे ना। तो देखिए मैं इसको काट कर दिखाती हूँ।
बहुत ही बढ़िया ग्रीन स्वादिष्ट मटर के फरे बनकर तैयार हो गए। अब इसको और भी चटपटा मजेदार स्वादिष्ट खाने के लिए इसमें हम ऊपर से 2 चम्मच घी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया डालकर सर्व करेंगे। तो देखिए दिखने में भी बहुत ही बढ़िया मजेदार से फरे हैं। आप चाहे तो इस तरह मसाले डालकर फ्राई करके भी खा सकते हैं। आप भी इन्हें जरूर बनाएं। अब हम चावल की पिन्नी बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1.5 कटोरी चावल लिए हैं। आप किसी भी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल को हम एक बड़े बोल में डालेंगे। अब इसमें पानी डालकर अच्छी तरह से इसका स्टार्च जितना निकल रहा होगा ज्यादा से ज्यादा निकालेंगे। अच्छी तरह से इसको हम वॉश कर लेंगे। चावल के पानी को इस तरह से हम पूरा हटा लेंगे। चावल को हम इसी तरह से पीस कर लड्डू बना सकते हैं, लेकिन इससे हमें जो टेक्सचर चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसीलिए हम इसको कम से कम 20-25 मिनट के लिए पानी डालकर भिगो कर रखेंगे। तो देखिए हमारा चावल बहुत अच्छी तरह से भीग चुका है। आप चेक कर सकते हैं इसका दाना इस तरह से कट हो रहा है, मतलब चावल अच्छी तरह से भीग चुका है। इसको हमें ज्यादा देर तक नहीं भिगाना है, क्योंकि जो हमें टेक्सचर चाहिए दानेदार लड्डू बनाने के लिए फिर वो हमें नहीं मिलेगा। चावल का पानी हमें निकालना है। इसके लिए स्ट्रेनर में चावल को रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी पूरा नीचे आ जाए। चावल ऊपर आ चुका है, लेकिन अभी भी इसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा है। देखिए आपको पता चल रहा होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक किचन टॉवल लेंगे, उसमें इन चावलों को रखेंगे। इस तरह से चावल को रख कर थोड़ा फैलाएंगे और कपड़े से हर तरह से थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि चावल का पानी ज्यादा से ज्यादा सोख हो जाए। लेकिन अभी भी चावल में बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर है। इसके लिए हम कढ़ाई लेंगे और उसमें चावल डालकर इसको रोस्ट करेंगे। चावल को हमें पहले हाई फ्लेम, उसके बाद 2 मिनट में ही लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है, क्योंकि चावल जलना नहीं चाहिए, चावल का कलर भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से आपने चावल की पिन्नी नहीं बनाई हो तो आप जरूर से जरूर बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली बनती है और इसमें घी का इस्तेमाल भी बहुत कम होता है। तो आप भी इस तरह से जरूर बनाइएगा। तो देखिए धीरे धीरे हमारा चावल में से मॉइस्चर काफी निकल चुका है। देखिए ड्राई भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ, अच्छी तरह से ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, मतलब कि चावल हमारा अच्छी तरह से सूख चुका है। तो अब ये लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। चावल को अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें ठंडा होने पर इसको ग्राइंड करना है। तो मिक्सी जार में डालेंगे और ग्राइंड करेंगे। इसको हमें बहुत ज्यादा बारीक नहीं पीसना है। देखिए इस तरह का टेक्सचर हमें चाहिए, क्योंकि हमें दानेदार डिलीशियस पिन्नी बनाना है। तो देखिए हमारा पाउडर भी बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया सा दानेदार पाउडर दिखाई दे रहा है। देखिए आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल अच्छे से गिर रहा है, बहुत ज्यादा चिकना पतला नहीं है। तो बस ऐसा ही पाउडर हमें चाहिए। अब हम इसको रोस्ट करेंगे। इसके लिए हम करीब 1/2 कप घी लेंगे, उसको मेल्ट कर लिया है। अब पाउडर इसमें डालेंगे और चावल के पाउडर को अच्छी तरह से हमें रोस्ट करना है। इसके लिए हम लो हीट पर ही रोस्ट करेंगे। अगर चावल के आटे की पिन्नी में ज्यादा घी डालेंगे तो जब हम पिन्नी को बांधेंगे तब वो अच्छी तरह से बंधेगी तो, लेकिन घी बाहर दिखाई देने लगेगा, एक्स्ट्रा घी लगेगा। इसीलिए हमें घी सफिशिएंट ही डालना है। चावल अच्छी तरह से भुन चुका है, लेकिन इसको हमें और भी ज्यादा भूनना अभी जरूरी है, क्योंकि इसमें कच्चापन अभी भी बाकी है। थोड़ा भी कच्चापन होगा तो टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता। तो इस तरह से हम कम घी में ही इसको अच्छी तरह से भुनेंगे। अब हम मिलाएंगे
आधा कप दूध और अच्छी तरह से चावल के आटे में मिक्स करेंगे और कुक करेंगे। दूध मिलाने से चावल के जो दाने हैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, तो पिन्नी भी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली बनेगी। तो देखिए हमारा चावल का आटा बहुत ही अच्छी तरह से धीरे धीरे भुनकर रेडी हो रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे करीब 1 चम्मच इलायची का पाउडर, जिससे इसमें बहुत ही बढ़िया सी खुशबू तो आ ही जाएगी, साथ ही स्वाद भी इसका बहुत ही ज्यादा बढ़िया आएगा। तो अच्छी तरह से हम सारी चीजों को पका चुके हैं। चावल का आटा बहुत बढ़िया तरीके से दानेदार हो चुका है। अब ये पिन्नी बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब हम इसे बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया दानेदार टेक्सचर है। अब हम इसमें जितना हमने चावल लिया था उतना ही पिसी हुई चीनी का पाउडर मिक्स करेंगे। इस तरह से हम सारी चीजों को ऐड करेंगे। अब इसमें मिला लेंगे ड्राई फ्रूट्स, जितना आप चाहें जो चाहें ड्राई फ्रूट्स ऐड करिए। अब मिक्सचर को बहुत ही बढ़िया तरीके से हम मिक्स करेंगे ताकि पिन्नी हम अच्छी तरह से बांध सकें। हल्का गर्म ही रहेगा तब हम इसकी पिन्नी बांध सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम एक भाग इसका छोटा हाथ में लेंगे और इस तरह से शेप देते हुए एक एक करके पिन्नी बनाएंगे। तो हमारी सारी पिन्नी बनकर तैयार हो चुकी है। ये जो पिन्नी इस तरह से चावल के आटे को भिगा कर तैयार की है, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी है। तो आप भी इन्हें जरूर बनाएं। तो करवा चौथ में ये मटर के अमेजिंग फरे और साथ ही चावल के आटे की बहुत ही स्पेशल पिन्नी आप भी जरूर बनाएं। फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।